सीएम नीतीश कुमार ने आज बेगूसराय के मटिहानी प्रखंड के खोरमपुर गांव के बाढ़ग्रस्त इलाके का भ्रमण कर बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान दर्जनों बाढ़ पीड़ितों ने मुख्यमंत्री से पॉलिथीन नहीं मिलने की शिकायत, इसके साथ ही कई तरह की असुविधाओं की शिकायत बाढ़ पीड़ितों ने सीएम से की, जिसके बाद सीएम काफी नाराज दिखे और अधिकारियों को जल्द ही सभी सुविधाएं देने का निर्देश भी दिया। बाढ़ पीड़ितों ने सीएम के सामने ही जिला प्रशासन की बाढ़ राहत की व्यवस्था का पोल खोल दिया। सीएम का अचानक बेगूसराय के बाढ़ग्रस्त इलाके के भ्रमण की सूचना से जिला प्रशासन हरकत में आई और आनन फानन में सारी व्यवस्था करते हुए खोरमपुर बाढ़ इलाके में सीएम का निरीक्षण कराया गया। दरअसल सीएम के बाढ़ग्रस्त इलाकों के भ्रमण के बीच ही बेगूसराय में भी बाढ़ग्रस्त इलाकों के भ्रमण की जानकारी जिला प्रशासन को दी गई। सीएम नीतीश कुमार हेलीकॉप्टर से उलाव हवाई अड्डे पर उतरने के बाद सड़क मार्ग से मटिहानी प्रखंड के खोरमपुर ढाला पहुंचे और यहां बांध किनारे बाढ़ग्रस्त इलाकों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कई महिलाओं ने पॉलिथीन नहीं मिलने की शिकायतें की, जिसको लेकर सीएम नाराज दिखे और उन्होंने अधिकारियों को आपदा के तहत सारी राहत मुहैया कराने का निर्देश दिया। स्थानीय लोगों का आरोप था कि जिला प्रशासन के द्वारा एक सप्ताह से ज्यादा होने के बावजूद ना तो पॉलिथीन उपलब्ध कराई गई और ना ही नाव की व्यवस्था और सामुदायिक किचन में भी अच्छी भोजन की व्यवस्था की गई। नीतीश कुमार ने बताया कि बाढ़ग्रस्त इलाकों में वह दौरा कर रहे हैं, बेगूसराय भी पहुंचे हैं और कई लोगों से बात की है। जिला प्रशासन के द्वारा बाढ़ पीड़ितों के लिए क्या सब किया जा सकता है, इसी को लेकर वह निरीक्षण पर अधिकारियों से बात की है। जिला प्रशासन के द्वारा बाढ़ पीड़ितों के लिए क्या सब किया जा सकता है, इसी को लेकर उन्होंने निरीक्षण कर अधिकारियों से बात की है। किस तरह से चारों तरफ गंगा नदी का जलस्तर देखना और सब को ठीक से आगे कैसे कोई बेहतर काम होना चाहिए उसको देखने के लिए और आकलन। Right now and press the bell icon. Never miss an update.